2022 का रेजोल्यूशन है वो, और एक रेजोल्यूशन है और एक रेजोल्यूशन के बारे में बोला था. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2022. एंड आई होप कि ये साल सब कुछ सबके लिए अच्छा हो. सो या हम जा रहे हैं कहीं घूमने, देखते हैं कहाँ जाएंगे. हैप्पी न्यू ईयर बोल दो. हैप्पी न्यू ईयर. सो देखते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं. सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं. सो जिस रेस्टोरेंट पे हम आए थे वहाँ पे काफ़ी लाइन, काफ़ी भीड़ थी, तो हमें वेटिंग पे रखा गया था. तो कहाँ था 15-20 मिनट रुकने, तो हमसे 15-20 मिनट रुका नहीं गया. मम्मी ने बोला वहाँ पे एक्चुअली पकौड़े वाले को देखा था हमने. तो मम बोलने लगी चल तब तक पकौड़ी खा लेते गर्मा गर्म, क्योंकि बहुत ठंडी भी है. सो हम चले गए पकौड़ी खाने के लिए और देखिए कितना, मतलब यू नो जस्ट कढ़ाई से तलते हुए पकौड़ी यू नो गर्म गर्म निकाल निकाल के दे रहे थे. इट वॉज सो यमी एंड बहुत मज़ा आया था. सो हम पकौड़ी इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर जाके देखते हैं हमारा टर्न आया या नहीं आया. हमें एक्चुअली वहीं जाना था क्योंकि वहाँ का कभी हमने ट्राई किया नहीं. मैंने सो रेस्टोरेंट तो हम पहुँच गए बट काफ़ी भीड़ है, सब न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर ही लंच करने आए हैं. सो अभी क्यू में है, वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है. सो तब तक चले गए हम पकौड़ी खाने बाहर. ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सो ठंड के मौसम में पकौड़ी यमी बट या अभी लाइन में खड़े हैं, मतलब लाइन में खड़े हैं क्या, क्यू में खड़े हैं. सो अभी मैं थोड़ी देर में मेरी मॉम के फ़ोन से भी व्लॉग करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन का बहुत कंप्लेंट्स आया है कि कैमरा क्लियर नहीं है. सो मैं देखती हूँ मॉम के फ़ोन से व्लॉग करके देखती हूँ एक बार कैसा आता है क्वालिटी. हाँ बहुत बेकार सा क्वालिटी आता है वो मेरे फ़ोन से, चेंज करना पड़ेगा. अभी नहीं, पहले इनकम आ जाए यूट्यूब से, उसके बाद पक्का आईफोन 13 प्रो मैक्स. ज़्यादा हो गया बट रखना चाहिए, एम रखना चाहिए ना. जब एम रखेंगे तभी उतना हार्डवर्क होगा, तभी उतना ऊपर तक जाने का सोचेंगे हम. सो आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरा एम है, 2022 का रेजोल्यूशन है. हाँ तो देखते हैं फुलफिल होता है या नहीं रेजोल्यूशन. सो और एक लेटेस्ट, ओके आज फर्स्ट डे है ईयर का. सो लास्ट मंथ तो कोई ब्लॉगिंग हुआ नहीं बट या अब इस मंथ से रेगुलर ब्लॉगिंग वो और एक रेजोल्यूशन है. काफ़ी लोग आ रहे हैं ना तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं. सो या अब रेगुलर ब्लॉगिंग तो होगा और उसी के साथ साथ और एक रेजोल्यूशन है, वो थोड़ी देर बाद में बात करते हैं उसके बारे में. सो ये मॉम के फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ मैं और ईयरफोन यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज बहुत साउंड का इश्यू हो जाता वरना. कैमरा अच्छा है मॉम का, क्लियर आ रहा है ना, मेरे कैमरे से अच्छा है. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. सो हम लोग डिसाइड करके आए थे कि हमें थाली खाना है, इंडियन वेज थाली खाना है. सो इस वजह से हम यहाँ आए थे. और यहाँ पे मैंने सुना है, कभी ट्राई तो नहीं किया, सेकेंड टाइम आई हूँ मैं बट थाली कभी ट्राई नहीं किया था यहाँ का. सो देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं, टेस्ट करके फिर रिव्यू भी देती हूँ उस रेस्टोरेंट का आपको कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है. बट पहले मैंने यहाँ पे पोहा खाया था और डोसा खाया था एंड इट वॉज़ गुड. तो थाली का तो नहीं पता, थाली का देखते हैं आज खा के कैसा लगता है. सो यहीं पे शाम होने वाला है, हम लोग जाएंगे कहाँ वो नहीं पता अभी तक, देखते हैं पहले खा के निकलते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे. सो आए तो थे हम थाली खाने के लिए बट हमारा बैड लक, थाली अवेलेबल ही नहीं है. मतलब शायद ये लोग ने इतना प्रिपरेशन से बनाया नहीं था आज कुछ भी, क्योंकि न्यू ईयर है, शायद लोग आएंगे नहीं आएंगे इस वजह से. बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. सो हमारा बैड लक, हमें थाली तो नहीं मिली. सो मॉम ने ऑर्डर की है
डोसा, और मैंने ऑर्डर किया है बिरयानी, हैदराबादी दम आलू नहीं, वेज दम बिरयानी। यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता है, सब वेज है। सो वो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। डोसा तो मैं पहले खा चुकी हूँ, बट वही वाला खाया था या नहीं पता। पहले जो खाया था वो एक्चुअली दीदी ने मंगाया था, मुझे आइडिया नहीं है कौन सा वाला मंगाया था। सो मॉम ने मंगाया है मसाला शेजवान डोसा। ये शेजवान बोलने में इतना प्रॉब्लम होता है ना, इतनी बेइज्जती हो जाती है ना, मतलब अटक जाती हूँ मैं ना। मतलब ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, बट जब ऑर्डर देते वक्त बोलना होता है ना, तो वो शेजवान निकलता ही नहीं है मुँह से, शेजवान की जगह कुछ और निकलता है। बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने, मैं शेजवान बोलूँगी करते करते जब वो ऑर्डर लेने आई, शेजवान की जगह, एक मिनट रिफ्लेक्शन आ रहा है, सो शेजवान की जगह मैंने उसको नंबर दिखा दिया कि ये नंबर है, ये दे दो। शेजवान नहीं निकला मुँह से। सो देखते हैं वो खा के कैसा होता है। और कॉफ़ी मंगाई थी वो भी नहीं है, सब ख़त्म है यहाँ पे। बहुत बहुत भीड़ है यार, अनएक्सपेक्टेड था। बट या कोई एक्चुअली बाहर जा नहीं सकता ड्यू टू कोविड, घूमने फिरने, सो सब खाने के लिए आ गए जैसे हम आ गए। सो मॉम का मसाला शेजवान डोसा इज हियर। ये है चटनी, ये सांबर है क्या? हाँ सांबर है, और ये और एक चटनी है। सो ये डोसा, खा के देखो कैसे। अरे खाओ ना, टेस्ट करो ना, मेरा आते आते टाइम लग जाएगा ना, तो वो टेस्ट तो करो, बिगड़ना। शेजवान नूडल्स का टेस्ट है इसके अंदर, सांबर टेस्ट करके देती हूँ। इतना बड़ा नहीं चाहिए। सांबर इज यम, बहुत टेस्टी है सांबर। मुझे डोसा से ज़्यादा सांबर अच्छा लगा, यमी। बिरयानी जैसा तो टेस्ट नहीं आया, खाने लायक का है बट वो बिरयानी का वो फ्लेवर नहीं है उसमें। रायता अच्छे, बिरयानी ठीक ठाक है, बट उतना अच्छा नहीं लगा। नहीं चिकन का तो वो समझ में आता है, वो चिकन कट, लेकिन जो बिरयानी मसाला होता ना, वो स्मेल होता ना, वो नहीं है, वो एकदम हल्का सा कहीं पे आता है।
सो खाना वाना खाकर हम आ गए लेक, क्योंकि सबसे सामने वही था और बाकी सारी जगह तो दूर दूर है, तो इतना टाइम भी नहीं है। बाकी सारा टूरिस्ट स्पॉट तो अभी, मतलब टूरिस्ट स्पॉट क्या, जो सामने सामने जो, मतलब जो सिटी में है वो सारा तो अब बंद होने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हमने सोचा लेक सबसे सामने है, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इधर ही आ गए। तो आपको फिर से लेक ही दिखा दिया मैंने। सो या लंच अच्छा था, जो खाने का एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वो तो नहीं मिला, बट जो भी मिला वो अच्छा था। सारा कुछ बता दिया, लंच दिखा दिया, बट बताना है नहीं कि कहाँ पे गए। तो हम गए थे जीवा वेज रेस्टोरेंट में, या जीवा वेज रेस्टोरेंट में गए थे। सो खाना बहुत अच्छा था। और एक, हाँ तो और एक रेजोल्यूशन के बारे में बोला था। सो या आज बहुत ठूस के खा लिया, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है इतने दिन में मैंने। वो तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कितना निकल गया है। सो इस वजह से अब कल से स्ट्रिक्ट डाइट में रेजोल्यूशन है, और प्लस जनवरी में बहुत कुछ है। सो उसके लिए मुझे जैसे भी वेट रिड्यूस करना है, वो आपको आगे आगे पता चलेगा क्या है। सो कल से जुम्बा क्लास भी ज्वाइन किया है मैंने। सो जुम्बा क्लास, डाइट, एक्सरसाइज सब फॉलो करना है, वेट लूज करना है जैसे भी। सो वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ ताकि एक दो दिन करके अगर छोड़ दिया जो आप लोग बोलना कमेंट करके कि आपने इसे दो दिन के लिए किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, तो मुझे थोड़ा सा वो होगा ना, तो मैं फिर नहीं छोड़ूंगी इस वजह से। बाकी मैंने टोपी भी चेंज कर लिया वहाँ से निकल कर, वो बहुत इचिंग हो रहा था उससे, तो दूसरा खरीद लिया, न्यू टोपी ब्लैक। मेरी नज़र ना सिर्फ ब्लैक में ही जाती है, ब्लैक कपड़े, ब्लैक टोपी, ब्लैक जूते, ब्लैक बैग। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। सो अब हम भी निकलेंगे यहाँ से, सीधे घर ही जाना है। सो वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे, दूसरे ब्लॉग पे। सो टिल देन डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर आप सबको फिर से। सो बाय।